Hi guys, assalamu alaikum, this is Khakan Ibrahim and welcome. Hey guys, assalamu alaikum, this is Khakan Ibrahim and welcome to my YouTube channel KSF Films. तो आप मेरे जो ब्लॉग के सीरीज देख रहे हैं, उम्मीद है मजा आ रहा होगा। तो गुड मॉर्निंग मच्चो साहब, गुड मॉर्निंग। अभी फ्रेश होने जा रहे हैं, अभी अभी हम उठे हैं, तो अभी मॉर्निंग हुई है, सुबह की 10 बज गए हैं। आज हम लोअर चित्राल सिटी में मौजूद हैं, अभी निकलने वाले हैं बुनी की तरफ। तो जुड़े रहिए, तब तक मैं थोड़ा एक काम करता हूँ। यहाँ हालत ये है कि अब इसके बगैर माइक के ट्रैपोर्ट के एक हिस्से के बगैर मैं कैसे उगरूँगा, क्योंकि मुझे 3-4 दिनों से ये याद नहीं आ रहा था कि मेरे नेल्स काफ़ी ऊपर ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको काटना है। अब हम यहाँ पे करेंगे नाश्ता और उसके बाद हम निकलेंगे। पहले नाश्ता करते हैं। हम रात को भी इन भाई के पास आए थे खाना खाने और बहुत ही ज़बरदस्त बनाया था, तो हमने कहा कि नाश्ता भी इनके पास करके जाते हैं। तो भाई बहावलपुर से, क्या नाम है भाई? मोहम्मद आदिल भाई है बहावलपुर से। आप भी चित्राल आएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल सामने पुल के सामने इनका होटल है। ठीक है जी, ओके लाला, बहुत शुक्रिया। और ये हम आज अपना राइड शुरू करते हैं लोअर चित्राल के मेन बाजार से, और आज हम सफ़र करेंगे अपर चित्राल बोनी की तरफ। लेकिन यहाँ पे मैं पहले ही अपना ग्लव्स यहाँ नाश्ते के होटल पे भूल आया हूँ, जो कि मैं एक ग्लव्स मैं धीर भूल आया हूँ। तो ये ग्लव्स मुझे शेख हुसैफा ने दिए, थैंक यू सो मच शेख भाई। अब हम अपना सफ़र यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आप अपर चित्राल की तरफ ड्राइव करते हो तो आपको गिलगित बल्तिस्तान का वाइब्स आना शुरू होता है, तो मैं भी ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं गिलगित बल्तिस्तान में हूँ। ऑफ रोडिंग भी करते हैं थोड़ी और एंजॉय करते हैं। और ये फज साहब अपना कटिंग करते हुए दोबारा, ये मैप में अभी 1.5 घंटा है, 59 किलोमीटर रहते हैं अभी। तो इधर बस थोड़ा छाँव में बैठे हैं ताकि हम रोड के पास। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गर्दू से मैं खपल हो जा रहा हूँ। हेलो, फन कैमरा लेकिन माइक मेरा ख़राब, अनफॉर्चुनेटली। तो नाज़रीन, अभी एक जगह पे एंट्री करने के बाद वो जो अभी रिसेंट हमने किया था वो बॉर्डर का एंट्री था, क्योंकि यहाँ से ताजिकिस्तान बॉर्डर मिलता है। और अभी हम एंट्री कर रहे हैं हमारे पुलिस भाइयों के पास, तो पुलिस वाले यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ पे एंट्री करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं उसके तरफ।
को। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक्या होने के बाद मोबाइल बिल्कुल ही सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको भी एहतियात करने की ज़रूरत है, मोबाइल कभी भी किसी भी वक्त इस तरह गिर सकता है। मैं थोड़ा सा मैंने लाइट लिया था इस चीज़ को और मेरे साथ ये चीज़ हो चुका, लेकिन हो गया, लेकिन मोबाइल बच गया, ये शुक्र है। तो बस अब हम राइड करेंगे। जो गुज़र गया वो एक सदमा छोटा सा लगा था दिल पे और दिमाग पे, लेकिन मोबाइल सेफ था इसलिए बिल्कुल ही चिल हूँ। तो अब पहुँच गए हम बोनी, और बोनी में हम करेंगे कोई होटल और फिर आगे देखेंगे क्या करना है। यहाँ तो कोई होटल वगैरह थोड़ा आगे और सही खैरियत से हैं।